दोस्तों, घुटने के दर्द या घिसावट में आपको लाठी लेके चलना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो कितने दिन के लिए चलना चाहिए, उस लाठी या छड़ी की क्या हाइट होनी चाहिए, चलने का क्या करेक्ट गेट पैटर्न होना चाहिए, इन सब सवालों का जवाब दूंगा। इस वीडियो को बहुत ध्यान से अंत तक देखिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर रचित गुलाटी है। मैं मेडिकल डायरेक्टर हूँ साउल ऑर्थो केयर का। दोस्तों, घुटने का दर्द या घिसावट या बुढ़ापे का गठिया बाय या ऑस्टियोआर्थराइटिस बहुत कॉमन केस है जो रिपोर्टेड होता है हमारे साउल ऑर्थो केयर में। काफी सारे पेशेंट्स एक सर्टन एज के बाद घुटने का दर्द लेके हमारे पास आते हैं और वो हाथों में छड़ी लेके आते हैं और उनका एक ही सवाल होता है, डॉक्टर साहब इस छड़ी को लेके चलना चाहिए या नहीं, और कितने दिन तक और इस छड़ी को लेके चलना पड़ेगा, कितने दिन बाद में इस छड़ी को छोड़ के इंडिपेंडेंटली वॉक कर सकता हूँ। काफी सारे पेशेंट्स ये भी बोलते हैं कि डॉक्टर साहब बहुत शर्म आती है छड़ी लेके चलने में, लोग आके पूछते रहते हैं कि आपके घुटने में क्या तकलीफ हुई है जो आप छड़ी लेके चल रहे हो। दोस्तों, यदि आपको घुटने का दर्द है और आप चल फिर नहीं पा रहे हो तो देखिए छड़ी मददगार ही होती है। ये बात मैं आपके साथ बहुत अच्छे से क्लियर कर देना चाहता हूँ कि छड़ी लाभदायक होती है घुटने के दर्द में, अगर आप उसके साथ चल फिर नहीं पा रहे हो, रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहे हो। छड़ी ज्यादा असरदार, ज्यादा लाभदायक और लेस साइड इफेक्ट्स वाली होती है एज कम्पेयर टू नी रिप्लेसमेंट की खतरनाक सर्जरी के या ज्यादातर रिपीटेड पेन किलर खाने से, जिससे आपके किडनी के ऊपर भी प्रभाव पड़ सकता है। तो आप छड़ी लेके जरूर चल सकते हैं उतने अंतराल के लिए जितने दिन आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपके चलने फिरने में तकलीफ हो रही है। एक साइंटिफिक स्टडी ऐसा बोलती है कि यदि आप छड़ी लेके 2 साल तक चलेंगे घुटने के दर्द में तो आपका घुटने का दर्द 50% तक कम भी हो सकता है। परंतु मैं मानता हूँ छड़ी लेके चलना लोगों के लिए शर्मनाक होता है, लोग नहीं चलना चाहते छड़ी के साथ। इसीलिए छड़ी लेते लेते जब आप चल रहे हैं तो साथ साथ दूसरा ट्रीटमेंट जरूर लें, एक्सरसाइज करना, दवाइयां खाना, साउल ट्रैक्शन थेरेपी जो हमारा एक ट्रेडमार्क ट्रीटमेंट है, इंजेक्शन का ट्रीटमेंट होता है, डाइट मॉडिफिकेशन होता है, लाइफस्टाइल चेंजेस होता है, ऐसे तमाम तरीके के होलिस्टिक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है जो घुटने के दर्द में काफी असरदार है, जो आपके लिए छड़ी छुड़वा सकते हैं। पर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट छड़ी लेके चलना लाभदायक होता है। परंतु छड़ी कैसे लें, छड़ी कब लें, किस हाइट की छड़ी लें, ये काफी ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं जो पेशेंट हमसे पूछते हैं। तो दोस्तों, जो आपका घुटना खराब है उसके ऑपोजिट साइड में आपको छड़ी लेनी चाहिए। छड़ी एक सर्टन हाइट की लेनी चाहिए, ज्यादा हाइट की आप छड़ी लेंगे तो वो असरदार नहीं होगी और कम हाइट की अगर छड़ी लेंगे तो आपको स्लाउच या झुकना पड़ेगा छड़ी के साथ चलने के लिए, जिससे आपके कमर में भी दर्द हो सकता है। तो छड़ी की हाइट रिड्यूस करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा खड़ा होना है और छड़ी को अपने पांव के एकदम साथ में रखना है और फिर आपको देखना है कि छड़ी आपके कलाई तक या रिस्ट की हाइट तक आनी चाहिए और आपके उस समय जो एल्बो है या जो कोनी है वो 5-10 degrees के बेंड पे होनी चाहिए। दूसरी चीज, जब आप छड़ी लेके चलें तो छड़ी को आपको अपने पांव से 2 inches आगे तक लेके जाना है और उसके साथ साथ ही उसी एंगल पे आपको अपना खराब पांव भी आगे मूव करना है। बहुत पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि पहले छड़ी को आगे लेके जाते हैं, फिर अपने पांव को बढ़ाते हैं, फिर दूसरे पांव को बढ़ाते हैं और इस तरीके से चलते हैं। तो छड़ी को अच्छे साइड पे रखना है, यानी जिस साइड पे, जिस घुटने में आपका दर्द है, सपोज कीजिए अगर बाएं साइड में दर्द है तो आपको दाएं हाथ में छड़ी को पकड़ना है, इतना पकड़ना है कि छड़ी आपकी कलाई तक आए और आपके एल्बो बिल्कुल स्ट्रेट ना हो, एक कर्व तक रहे और चलते समय आपका बाया पांव और बाई टांग और छड़ी जो दाहिने हाथ में वो एक साथ मूव करे और फिर आपका दाया पांव आगे की तरफ आए। सीढ़ी चढ़ते उतरते हुए मैंने पहले भी एक वीडियो आपके साथ शेयर किया जिसमें आपको बताया है सीढ़ी चढ़ने उतरना आर्थराइटिस में हानिकारक नहीं होता है, पर करेक्ट टेक्निक के साथ आपको चढ़ना उतरना जरूरी है। जो आपका सही घुटना है वो पहले जाता है और जो खराब घुटना है वो पहले नीचे आता है। तो छड़ी के साथ सही टेक्निक से चढ़ना उतरना भी बहुत जरूरी है। हम फ्यूचर में जरूर एक वीडियो आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हम आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे कि यदि आप हाथ में छड़ी या लाठी यूज कर रहे हैं तो किस तरीके से आप सीढ़ियों को कम्यूट करें, कैसे सेफली चढ़ें और कैसे उतरें। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। घुटने में दर्द के पेशेंट गांव गांव, कस्बे कस्बे, घर घर में हैं और छड़ी लेना है या नहीं लेना और कैसे यूज करना है, इसको लेके बहुत पेशेंट्स के मन में डाउट्स रहते हैं। ऐसे बहुत सारे जानकारी भरे वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और इस वीडियो से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में टाइप करें। थैंक यू।